लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा, राज्य की कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लेकिन वह विफल है। उन्होंने कहा, एक के बाद एक वारदातें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय है, बावजूद इसके वह अपराधों को नहीं रोक पा रहे हैं। साथ ही और क्या कुछ कह रहे हैं लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान, सुनिए आप इस वीडियो में। जिस तरीके से यहाँ पे नौजवान की हत्या की गई, इतना खूबसूरत लड़का, जिम करता था, सारी चीजें घर में देखने कमाने खाने वाला वही एक लड़का, और उसको जिस तरीके से यहाँ पे आके चाकू से रोन के मार दिया जाता है, और उसके बाद प्रशासन पूरी तरीके से शांत रहता है। यहाँ पर जो नाम, जब लोगों का नाम इसमें लिखवाया हुआ है FIR में, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं होती, उसके बाद भी दोषियों को सजा नहीं दी जा सकती है। तो ये तो सब समझ के परे है कि भैया बिहार में अपराधियों का शासन चल रहा है कि यहाँ पे कानून का राज चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री, जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, निरंतरता में उनके सामने एक के बाद एक इतनी बड़ी घटनाएँ हो रही हैं। हम लोग अगर कहते हैं तो कहा जाता है कि भैया राजनीति करने पर, हकीकत है कि अगर आप अब नहीं, अगर आप शासन प्रशासन को आप चूज करेंगे तो आप कब करेंगे। एक के बाद एक जिस तरीके से वहाँ पे रुपेश की हत्या की गई, आज दिन में मैं वहाँ पे था, उनको यहाँ पे आके सामने दिन दहाड़े उनको गोली से भून दिया जाता है। यहाँ पे चाकू से एक के बाद एक इतने वार किए जाते हैं कि अस्पताल जाते जाते इंसान मर जाता है। और उसके बाद जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जानी चाहिए थी, वो कार्रवाई नहीं होती। आज भी परिवार 6 दिन 7 दिन के बाद आज भी ये लोग सब इंतज़ार में बैठे हैं कि गिरफ्तारी होगी, तमाम दोषियों को सज़ा मिलेगी। सज़ा मिलना तो दूर की बात है, जितने लोग जिनका नाम इन्होंने लिखवाया, उनके छोटे भाई अमर, इन्होंने सामने सामने इन्होंने देखा है, इन्हीं के पीछे सब भाग कर आए, इनको पता है कि कौन लोग हैं, उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से गिरफ्तारी नहीं होती है। और जिस तरीके से बेबसी में पूरा परिवार है यहाँ पर, कल को मान लीजिए आए तो इन्हीं के पीछे थे, इन्हीं को ही मारने आए थे अमर को, पर उनके भाई बीच में आए, उनकी हत्या कर दी गई, तो कल को इस परिवार की सुरक्षा कौन करेगा। यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पे क्यों नहीं इनके परिवार को यहाँ पे सुरक्षा दी जा रही है, क्यों नहीं यहाँ पे पुलिस तैनात की जा रही है। कल को मान लीजिए इन्हीं को कुछ कर देता है, इनकी माता को आके कुछ कर देता है, इनके पिताजी को आके ये लोग कुछ कर देते हैं बदला लेने के लिए, आए दिन इनको धमकियाँ मिल रही हैं फ़ोन पर। और ये सारी बातें प्रशासन जानने के बाद भी अगर इतना सुस्त है, तो ये लोग क्या अगली किसी घटना होने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से, बहरहाल मैं लिखित रूप में भी, मैं हमारे मुख्यमंत्री, जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि पहले तो परिवार को भी सुरक्षा दें, जितने दोषी हैं जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई हो, तभी अपराधियों में भय आएगा। अगर अपराधी इसी तरीके से खुले घूमते रहेंगे तो हम लोगों ने तो देखा कि आए दिन यहाँ पर हत्या हो रही है, और इसीलिए हो रही है क्योंकि अपराधी के मन में भय नहीं है। और साथ ही मैं मुख्यमंत्री जी से ये भी आग्रह करूंगा, क्योंकि कमाने खाने वाला एक ही वो लड़का था, मैं चाहूंगा, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जिस तरीके से चुनाव से पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि अगर किसी दलित परिवार में इस तरीके की अगर हत्या होती है तो उसके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि परिवार का जो भी योग्य व्यक्ति हो उसके बाद जल्द से जल्द उनको अपनी सरकारी नौकरी देने का जो मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था उसको भी पूरा करें। और आने वाले समय में अपराधियों के मन में भय आए, इसके लिए ज़रूरी है कि जल्द से जल्द समय रहते हुए टाइम बाउंड पीरियड में, आप अनिश्चितकाल के लिए आप इन सब चीज़ों को आप नहीं टाल सकते हैं, टाइम बाउंड पीरियड में कार्रवाई हो और दोषी हिरासत में हो और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए।